आज हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ओडमार्ट थिंग के जो डैमो है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसका मल्टीपल यूजर्स किस हिसाब से किया जाएगा, डायरेक्टरी कैसे बनती है, क्लोन कैसे बनता है, और क्या नाम है ये जो ऑप्शन इसमें अंदर दिया हुआ है इसका यूज कैसे करते हैं, अपना पेज कस्टमाइज कैसे किया जाता है, उसकी सारी चीजें हम वन बाय वन करके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो या ग्रोसरी स्टोर का हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। इसके लिए हमें जो नीड होगी, एक डोमेन की नीड होगी और दूसरी सी पैनल की नीड होगी। अगर आपके पास सी पैनल है ऑलरेडी पहले से, तो सी पैनल आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर क्लू पे जाना है। सॉफ्टवेयर क्लू हर एक सी पैनल में ऑटोमेटिकली होता है, या फिर आपको ये जो सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर क्लू बोलते हैं इसको। ठीक है, मैनेज बाय सॉफ्टवेयर क्लू, वर्डप्रेस मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर क्लू पे। ठीक, तो ये चीजें होना जरूरी है क्लोन के लिए। इसके लिए फिर क्या करेंगे, आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ एक डेमो के नाम से इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टरी जो हम यूज करेंगे डेमो के नाम से मैं लूंगा। तो यहाँ पे डेमो के नाम से हमने डायरेक्टरी बना दी, मेन डोमेन ये है, लेकिन हमारा साइड जो होगा इसमें होगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास सब डोमेन है तो सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप सब डोमेन क्रिएट करके काम करें, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो बहुत सारी जो फाइल्स होती है ना, इधर उधर फाइल होती है, वो सारी एक जगह आ जाएगा। आप इधर देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप सब डोमेन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर ले सब डोमेन, इसमें हटाया एक सब डोमेन आपने। नहीं नहीं सर, इसका सब डोमेन ना आपको बाहर मिलेगा। अच्छा, कोई नहीं, आपने इसमें सब डोमेन बना भी रखे हैं तो उसी को मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे आपका सब डोमेन जो है ना, ये सॉफ्टवेयर क्लियर इंस्टॉलेशन, तो किसी एक सब डोमेन पे कर लेते हैं, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सब डोमेन हमने यूज करना है हमें, वो ग्रॉसरी के नाम से ही कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर हमने डेमो डालना है। सब डोमेन के अंदर फिर सब डायरेक्टरी, ये जो होता है ये डायरेक्टरी होता है और ये आपका मेन डोमेन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नामों में जो भी रखना है रखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि यहाँ पे मैं एडमिन 123 के नाम से रख दिया, बस इसमें अभी सीखना है, इसमें कोई मैटर नहीं है। सारी चीज़ों का चेंज करना चाहे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, साइट का नाम, एडमिन का नाम, यूजर का नाम आप आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका फाइल जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो होने के बाद क्या होगा, एक पूरा एक फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, थीम को इंस्टॉलेशन करना, जो भी आपका प्रीमियम थीम है, या प्रीमियम थीम के बारे में बात करें ओडमार्ट, तो ओडमार्ट थीम जो है वो आपको प्रॉपर बाय करना है। तो बाय करने के बाद जाकर उसका यूज करना है। जब आप ये यूज करेंगे तो यूज करने के दौरान आप उसमें तीन चार चीजें करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थीम इंस्टॉल करना पड़ता है, दूसरी चीज प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ती है, तीसरी चीज आपका डेमो इंपोर्ट करना पड़ता है। बस सिंपल, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि ये जो वेबसाइट है विद इन 2 और 3 मिनट्स के अंदर अंदर किस तरीके से आप बना सकते हैं। सेम एज इट इज वेबसाइट हम विद इन 2 और 3 मिनट्स के अंदर अंदर हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब आपकी रेडीमेड चीजें आ जाए, बस क्या करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करना है, बस रिप्लेस करना रहेगा इमेजेस वगैरह। इसमें आपको डिजाइनिंग करनी नहीं होती है
और ना ही आपको ज्यादा इसमें टाइम देना होता है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू तुरंत आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आ गया हमारा ये डोमेन आ गया, इसमें अभी देखेंगे तो अभी आप बिल्कुल पूरा न्यूट एंड क्लीन दिखेगा, डेमो दिखेगा, ये इस तरह का दिख रहा है। इससे पहले कि आप हम डेमो इंस्टॉल करें या थीम इंस्टॉल करें, इससे पहले कुछ चीजें हैं जो इसमें करना है, वो लगभग चार चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपकी जो ये जो चीजें आ रही है ना यहाँ पे, ये हेलो के नाम से ये आ रही है, सबको ब्लैंक कर लीजिए। इसके लिए आप पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट पे जाने के बाद इसको ये हेलो के नाम से आ रहा है, इसको आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे। ट्रैश पे क्लिक करने का इसको हटा दीजिए, ये कचरा है, इन कचरे को सबको हटा देना है। कल फिर पेजेस पे जाएंगे, पेजेस के नाम से भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सैंपल का पेजेस के नाम से आता है, इसको भी आपको हटा देना है, इसको नहीं रखना। ये इस तरह आप जो भी पेजेस है उसको आप पूरा फ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्लगइन्स में तीन चार चीजें इंस्टॉल हो जाती है, प्लगइन में आ जाती है, ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आ जाती है, इसको सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने, सारे प्लगइन ऐसे ही बस फालतू का जाता है, उसके बाद इसको क्या कर देना है, हमें डिलीट कर देना है। ये अभी जब देखेंगे इसको डिलीट करने के बाद ये पूरा फ्रेश हो चुका है, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, थीम अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम चूज करेंगे, उसके बाद ऐड न्यू करेंगे। हम यहाँ फ्री थीम यूज कर नहीं रहे, इसलिए हम प्रीमियम थीम यूज करेंगे, तो जो हमारे पास ऑलरेडी बाय किया हुआ थीम है हम वही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया थीम, ठीक है, ये हमने थीम ले लिया। ये थीम इंस्टॉल करने के बाद जो दूसरा काम करना होता है वो करना होता है आपका इंस्टॉलेशन प्लगइन, प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप इसके अंदर जो प्लगइन सिर्फ आप वही यूज कीजिए, एनफ है। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाती है कुछ और चीजें करने की तो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बट अभी जो हम ये यूज कर रहे हैं ये डैमो के नाम से, ये डैमो डिफॉल्ट के हम इसी का यूज कर रहे हैं। ये आपका जस्ट जो एक इनपुट पे क्लिक करके हम इसको डैमो इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद जो सारे प्लगइन्स हैं वो सारे प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कि अगर आप चाहें तो आप इसको भी हटा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, स्किप कर सकते हैं। जस्ट आप डायरेक्ट अपना प्लगइन इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे लाइसेंस जो है ऑटोमेटिकली इसका डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सॉरी ये इंस्टॉलेशन थीम हो गया, तो प्रीवियस स्किप, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उलमार्ट इंस्टॉलेशन द चाइल्ड थीम। तो चाइल्ड थीम कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद ये आपका आ गया पेज बिल्डर। तो आप कौन सा लेंगे, ये आपकी चॉइस है, चाहे एलिमेंटर पे लें चाहे आप डब्ल्यू बैकरी पे लें। एलिमेंटर क्या है, फ्रंट एंड है और ये आपका बैकरी पे है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बैकरी ऑन किया, उसका जैसे जो सारे प्लगइन है उसको सारे प्लगइन को इंस्टॉल करनी है। ये वो प्लगइन है जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है, इस प्लगइन के अलावा आप आगे बढ़ नहीं सकते। बाकी जो कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होता वो आपकी चॉइस है, इंस्टॉल करना चाहे करें और नहीं करना चाहे ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तब फिर वो आपका ऑप्शन आता है डैमो वगैरह का। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ये जो थीम है इसमें अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, सीएसएस लगाना चाह रहे हैं या मैनेज करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी फंक्शन जो इसके अंदर है नहीं, जैसे आपका वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का हो गया जो आज के दिन बहुत ट्रेंडिंग चीजें हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें प्लगइन्स लगानी पड़ती है, ठीक। या स्लाइडर की बात है, या यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली कितना सेल्स हुआ है वो ऑटोमेटिकली आता रहे, स्विच ऑफ होता रहे, तो इनके लिए आपको प्लगइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सर हमारा का अभी जो हो रहा था वो इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा था तब तक हम इसमें और कुछ चीजें हम देख लेते हैं। इसका जो ये जो थीम है ना लगभग 70 प्लस के आसपास है, तो इसमें दोनों ऑप्शन है, चाहे आप इस पे जाएं क्या नाम है एक बैकरी पे करें या आप चाहे एलिमेंटर पे करें, दोनों का फंक्शन आपको ए टू जेड आएगा। लेकिन दोनों में से कोई एट अ टाइम एक ही काम करेगा, अगर आप बोलेंगे मैं दोनों को मैं खराऊंगा, पॉसिबल नहीं है सर, दोनों में से कोई ना कोई एक ही काम करेगा एट अ टाइम। तो सर ये हमारा इंस्टॉल हो गया सारे प्लगइन, अभी उनको हम सब एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमने नेक्स्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो इम्पोर्ट डमी डाटा का, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अभी हमें इम्पोर्ट डमी डाटा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, हमें इसका एक क्लोन बनाकर रख लेना है, ताकि जो हमारा दूसरा जो डमी डाटा इम्पोर्ट करेंगे उसके लिए हम इसको रख पाए,
ठीक, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी पैनल पे जाना पड़ेगा। ये हमारा था वो मेन जो फाइल था वो था, क्योंकि यही काम हम बार बार अगर करेंगे तो हमें टाइम जाएगा, टाइम ज्यादा ज्यादा जाएगा, इसलिए हम इसको एक क्लोन बना के हम रख लेते हैं इंस्टॉल करने से पहले, डेमो इंस्टॉल करने से पहले एक क्लोन बना के रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसी क्लोन के बिहार पे हम काम करते रहेंगे आगे, इसी है ठीक। ये अभी जो है आप देखेंगे इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा, ये इस तरह से आएगा आपका, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ भी चीजें अभी किया हुआ नहीं है। तो ये फाइल हम एक रख लेते हैं क्लोन बना के, यहाँ से होगा क्लोन। ये चाहे पूरी पूरी साइट को भी क्लोन कर सकते हैं, बट हमें से डमी डाटा इंपोर्ट करना है, इसलिए हम अभी इसमें क्लोन ही यूज कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा डमी डाटा था, वो जो डमी डाटा हमें डालना है यहाँ पे, वो है डेमो ऑर्गेनिक का नाम से है, सॉरी यहाँ पे दूसरा क्या था, यहाँ पे डेमो एसेसरीज का नाम से है, ठीक। तो ये आप इसके नाम से भी आप बना सकते हैं। तो हमें वन बाय वन करके सारे डेमो को हमें इम्पोर्ट करना है, कि यहाँ पे हमने क्या डेमो एसेसरीज का नाम से हमें ले लेना है, ठीक। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ बाय डिफॉल्ट के नाम से है, ये बाय डिफॉल्ट है, तो मैं बाय डिफॉल्ट के नाम से कुछ इसमें बना के रख दूँ, तो आपकी चॉइस है, बना के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोन का हम क्लिक करेंगे, और क्लोन के सब डोमेन के अंदर ही एक बाय डिफॉल्ट के नाम से हम यहाँ पे एसेसरीज के नाम से बना के रख दिया, ठीक। तो इससे बेनिफिट है, जहाँ हमें यूज करना है फिर अदर, तो दूसरा यूज करना है, इसी को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यही चीज आप मल्टीपल जो थीम जब इम्पोर्ट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं मल्टीपल चीजों के लिए। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ, तो कैसे ये बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। यह भी आ गया, अच्छा इसका यूजर नेम भी आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, बट आपके पास सर्वर अगर हैवी है तो इसको कोई जरूरी नहीं है, बस ऑटोमेटिकली इसको रख दीजिए, ठीक है। अब ये हमने इसको एक क्लोन बना कर रख लिया। तो अभी जो हम जितना काम किया ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, थीम इंस्टॉल करने का, इसके अलावा जो सेटअप करने का, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है पूरा ओके हो गया, एक कॉपी हमारे पास रह गया। इस कॉपी के भी आप हम दूसरी बार भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस का काम हमारे कम हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डेमो इंपोर्ट करना है। यहाँ पे तो ये कि अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह का आ गया, बट ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको नहीं है, पहले से क्लोन कर रखा, तो उसमें कैसे आएगा, तो वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस हमने क्या करा, एक डेमो इंपोर्ट को क्लिक कर दिया। डेमो इंपोर्ट जैसे हमने क्लिक किया, तो ये डेमो इंपोर्ट होना शुरू हो गया। जैसे डेमो इंपोर्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो आगे मैं दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, जो अभी हमने क्लोन बनाया था, अगर हम उस पर अगर डेमो इंस्टॉल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं देख लेता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट है, इसके आप एडमिन पैनल पे जाएंगे, पूरी एक नई साइट हो गई, ठीक है। ये नई साइट पे इसमें जब हम डेमो इंपोर्ट करेंगे, तो इसका थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट होगा, क्यों, इसका जो फर्स्ट जो सेटअप का ऑप्शन था वो ऑप्शन नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा थीम ऑप्शंस पे, थीम ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वाले सिस्टम, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दिख नहीं रहा है सर, ये भी आगे आ जाएगा, वो शायद ये मल्टीपल चीज़ें होने की वजह से नहीं आ रहा हो। ये है आगे ना, ये वुड मार्ट, इसके अंदर जाकर के ये डमी कंटेंट आएगा, ठीक है। तो इन डमी कंटेंट पे हमें सारी की सारी चीज़ें आ गई, ठीक। तो फिर हम इस पर हम इंस्टॉल भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे एक प्रीमियम थीम हो गया, मैं ये चीज़ें करने के लिए हमें इतना काम जो इंस्टॉलेशन का था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जब तक हो रहा है यहाँ पे, मैं एक दूसरी चीज और कर लेता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट जब हो रहा है 80% के आसपास हुआ है, तब तक मैं एक दूसरी चीज इंपोर्ट करूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि किस हिसाब से काम कर रहा है, फिर उसी के हिसाब से एक पेज भी बिल्डअप करना है। पेज बिल्डअप कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि पेज बिल्डअप कैसे करना है। अरे थोड़ा टाइम लेता है, तो अब जैसे कि यही चीज है, अभी हमें दोबारा अगर इसको क्लोन बनाना हो एक नए डोमेन के लिए, एक नए पेज के लिए, तो बना सकते हैं। जैसे ये वुड मार्ट मेन हो गया, अब ये आ गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का नाम से आ रहा है, तो हम इसी हिसाब से तरतीबवार चल रहे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे, कि हमारा मार्केट आ गया। मार्केट हम इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है,
सेम वही प्रोसेस इस पर भी काम करेगा आपका, ठीक है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑल इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, और ऑल इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद अब बाय डिफॉल्ट को सेफ रख देना है, उसको बार बार उसको छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे पास एक सेफ फाइल हो गया, उसी के थ्रू बार बार आप क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्लोन बना लिया, इसको ये हमारा डोमेन था फैशन के ग्रोसरी के नाम से था ना, ये ग्रोसरी के नाम से उसके अंदर से हमने ये बना लिया, ठीक है। तो ये जो बन गया, इसमें बस जस्ट क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के पूरा का पूरा जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो बन गया। फिर उसमें फिर हम क्या करेंगे, जाके सिर्फ वही वाली जो मार्केट का जो डेमो है ना वही सिर्फ हम इम्पोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है और काम और जल्दी हो जाता है, ठीक है। सर ये हमने बना लिया, इसमें हमारे डेमो देख रहे हैं, ये 90% हो चुका है ऑलरेडी, और ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। तो आप मार्केट के नाम पे हम देखेंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ से, जो जितना हमने किया हुआ था उतना आ गया। अब इसमें जो हमें डैम को इनपुट करना है, तब जो जो प्रोसेस जो था वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे वुडमार्ट पे जाना है, डमी कंटेंट पे क्लिक करना है, डमी कंटेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे मार्केट, बस जस्ट इसको इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है, कम टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा चीजें मिल जाती है, क्यों, हर एक चीज के अंदर अलग अलग चीजें हैं, कभी किसी ने कुछ चीजें यूज किया, कभी किसी ने कुछ चीजें यूज की है, तो वो कैसे यूज किया है लर्निंग पॉइंट में सीखने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि यूज कैसे किया हुआ है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है कि आप अपने उसके हिसाब से करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई डोमेन में यूके हो, आप लोकल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन में क्या होता है कि स्पेस जरूरी होता है। 70-80 अगर डेमो इंपोर्ट करेंगे अच्छा खासा स्पेस चाहिए, अराउंड कम से कम 100 GB चाहिए, या उतना नहीं तो कम से कम 40 GB चाहिए होता है, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी। बट आप सीखना चाह रहे हैं तो आप लोकल पे जैम्प वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है। तो सर हमारी जो बात थी, एक मिनट, हमारी जो बात थी ना कि हमें यहाँ डेमो इंपोर्ट करने की बात थी, ठीक है, अभी मैं पूरा मौका दूंगा पूछने के लिए। डेमो इंपोर्ट करने की हमारा ये काम जो है पूरा हो चुका है, इसमें हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब अगर यही चीज मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो जो अभी हमारे पास इस टाइप का था बिल्कुल ब्लैंक था, अगर अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो अभी हमारे पास इस टाइप की साइट थी बाय डिफॉल्ट साइट थी, यहाँ पे इस टाइप ये जो साइट थी सेम एज इट इस टाइप की साइट हमने डिजाइन कर लिया है, ठीक है, ए टू जेड डिजाइन कर लिया है। जैसा ये साइट के अंदर है ऑटोमेटिकली डिजाइन हो चुका है सब कुछ। अब क्या करना है सर, आपको क्या करना है, सिर्फ डेटा चेंज करना रहेगा। अच्छा, एक काम अभी हमारे पास रह गया है लग रहा है, अच्छा हो गया, ठीक है, ये आ गया, ये डेमो के नाम से था, ये आ गया, टोटल आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या सिर्फ क्या करना, आपको अपना कंटेंट चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करना है, नाम चेंज करना। देखिए अब इसके अंदर ये कैटेगरी भी बन गया, इस कैटेगरी को क्या कहते हैं पता है आपको, कैटेगरी भी बोलते हैं इसको, मेगा मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका मेन मेन्यू, ये होता है मेगा मेन्यू, और ये नीचे जो ये होता है टॉप बार मेन्यू, ऊपर जो होता है ना ये टॉप बार मेन्यू होता है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे को जाएगा ये आपका फुटर मेन्यू होता है, यहाँ पे फुटर मेन्यू होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेन्यू का यूज होता है। और ई कॉमर्स वाली वेबसाइट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है हेडर और दूसरे फुटर। आप साइट के अंदर क्या रखते हैं कोई मैटर नहीं करता, आपके हेडर एंड फुटर कितना अच्छा बनाए हुए हैं ये मैटर करते हैं। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको लोगों को पहले हेडर ही दिखेगा, हेडर देख के लोग जज कर लेते हैं आप कितनी अच्छी वेबसाइट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो खैर हमारी टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था कि अब ये हमने एक डैम इम्पोर्ट तो कर लिया, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें खुद से अगर कस्टमाइज करना हो या इन्होंने किस हिसाब से कर रखा है देखना हो तो कैसे करेंगे। मैं आपको सबसे पहले में हेडर की जहां तक बात आई तो मैं आपको सिर्फ मेगा मेन्यू वाली जो हेडर है ना ये चीज मैं दिखा रहा था कि इन्होंने कैसे कर रखा है, यहाँ पे वो पता चल जाएगा आपको। इसके लिए क्या करेंगे, हम एडमिन पैनल पे जाएंगे, एडमिन पैनल पे जाने के बाद अपीयरेंस पे जाएंगे, अपीयरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन कि उन्होंने कर कैसे रखे हैं, ये मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर जाकर आपको मेगा मेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फर्नीचर है, तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर भी उन्होंने मल्टीपल चीजें कर रखी हैं। तो मल्टीपल चीजें कैसे किया गया, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप डाउन बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड भी लिया हुआ है,
इसके अलावा इसके अंदर फिर मल्टीपल चीजें इन्होंने यूज किया हुआ है, वो क्या है आपका कुक, ये देखिए इसके अंदर ही मल्टीपल चीजें, ये कुक, ये हो गया आपका मेन मेन्यू, ये हो गया सब मेन्यू, ये हो गया सब कुछ सब मेन्यू, ठीक है, तीन तरह के मेन्यू यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो यूज किया हुआ है कुकिंग, अब इस कुकिंग के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, कुकिंग के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये सारी चीजें सेट करनी पड़ती है, ठीक है, ये जो है ना साइज सेट करनी पड़ती है, ये आपका यहाँ पे लाइटिंग है, हावर है, ठीक है, हावर का रखना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन बैकग्राउंड रखना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर चाहिए तो वो कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिर एसेसरीज का है, तो एसेसरीज यहाँ पे अलग है, तो ये इस हिसाब से किया हुआ है, तो ये जब खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे उन्होंने कर रखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आ गया फुटर मेनू, ये आ गया आपका मेगा मेन्यू, सॉरी ये फुटर मेन्यू आवर स्टोरी के नाम से आ गया, और ये आ गया आपका मोबाइल नेविगेशन, मोबाइल के लिए भी आप अपना पार्टिकुलर मेन्यू बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा ये आ गया, तो हर एक का मेन्यू अलग अलग किया हुआ है, तो कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ से देख के आप अपना कर सकते हैं जो उन्होंने किस हिसाब से कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस पे भी टिक करेंगे आप वो वही चीज वहाँ पे दिखेगा, मेगा मेन्यू पे दिखेगा। जैसे कि अभी अगर मैं देखूँ कि इसमें मेन मेन्यू कौन सा किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मेन मेन्यू लेफ्ट, मेन मेन्यू राइट, ये ऊपर के लिए ये वाला होगा, मेन मेन्यू लेफ्ट ये होगा, मेन मेन्यू लेफ्ट आपका ये वाला मेन्यू है, मेन मेन्यू लेफ्ट बोले तो ये वाला है, और ये आपका राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होम पेज, सॉरी इसमें होम शॉप, अच्छा मेगा मेन्यू कैटेगरी का नाम से किया हुआ लग रहा, तो खैर ये चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर देख के आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें जिस हिसाब से मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा तो कैसे करना है आपको, ठीक है। अब रही बात ये कि आप हेडर की बात है, ये जो हेडर है, हेडर कहाँ से कस्टमाइज करेंगे, हेडर के लिए बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, आप यहाँ जाएंगे वुडमार्ट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हेडर बिल्डर है, आप अपना हेडर खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं वो हेडर बिल्डर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फुटर का, मैंने आपको बताया कि साइट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हेडर एंड फुटर, यहाँ पे फुटर जो है यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर बेस्ड बना हुआ ये यहाँ पे क्लिक करके एडिट करके कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी बना सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक फीचर्स बहुत जबरदस्त है कि आप मोबाइल के लिए अलग बना सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। सेम इसी तरह की बात कर लें अगर फुटर की, तो फुटर में आपको थीम सेक्शन पे जाना है, और थीम सेक्शन जाने पे आप फुटर के सेक्शन पे ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ पे फुटर कितने तरह का बनाना चाह रहे हैं, 2, 3, 4 कितने तरह कॉलम बनाना चाह रहे हैं, वो कॉलम आप यहाँ पे चूज करेंगे, और उसी तरह के चूज करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका कॉपीराइट वाला सेक्शन जो है सबसे नीचे जो आता है कॉपीराइट वाला सेक्शन, वो कॉपीराइट वाला सेक्शन नीचे पा जाता है, और ये आपका फुटर का सेक्शन है, ये फुटर का सेक्शन जो जितना आप जैसे ऐड करना चाहेंगे वो आप डिजिट के सेक्शन पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फुटर जो चेंज करना चाहेंगे कहाँ से करेंगे, अपीयरेंस पे जाने के बाद ये विजिट्स के सेक्शन पे, मैंने ये आपको कल भी बताया था, है ना, तो अभी विजिट्स के सेक्शन पे जाकर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या जो विजिट्स के सेक्शन से उसके अंदर आप फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 ये मिल जाएगा आपको, ये कब 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 मिलेगा, जब आप यहाँ पे ऑन करके रखेंगे फुटर वाले सेक्शन है, इसको जब आप ऑन करके रखेंगे तभी जाके आपको वो फंक्शन दिखेगा, ये जो है फुटर वाला थीम के सेटिंग के अंदर फुटर सेक्शन जब ऑन करके रखेंगे तभी दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे। तो जो कंटेंट आप यहाँ डालेंगे ये आ गया फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, इस तरह से फुटर कॉलम के हिसाब से ये आपका डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 कॉलम चूज किया हुआ है, यहाँ पे कॉलम जो चूज किया 5 कॉलम चूज किया तो यही 5 कॉलम दिख रहा है, ठीक। अगर ये 2 कॉलम करेंगे, 1 कॉलम करेंगे तो 1 कॉलम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कल शायद आपने यहाँ HTML का फुटर भी यूज किया है, राइट, तो HTML का फुटर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ HTML ब्लॉग, तो आपका जो HTML का कोड है ना, उस कोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना उस टाइम जो HTML की जो हमारी थीम है उसको एडिट कैसे करेंगे, तो ये आप वो जो भी कोड है अब उस कोड का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट है, जैसे आपने एक जो वेबसाइट जो HTML पे बनाई हुई है वो है आपका क्लाउड के नाम से था, तो ये क्लाउड के नाम से, इस क्लाउड के नाम का एक पेजेस, इसका वर्डप्रेस अगर कंट्रोल करना चाहें तो आप यहाँ पे HTML ब्लॉग्स के थ्रू कर सकते हैं।
ये सिर्फ इसी थीम का फीचर्स है, ऐसा नहीं कि आपको हर थीम में मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसका यूज करने का क्या तरीका होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक पे नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा ये था आज का, हम किस तरह से डेमो इंपोर्ट करते हैं, डेमो इंपोर्ट की एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा हेडर फुटर कंप्लीट हो गया, हम कहां से किस हिसाब से करेंगे, ठीक। ये आपको प्रैक्टिकल करना है, करके दिखाना है। अब रही बात यह का पेज के अंदर की चीजें, ये जो पेजेस है, ठीक है, होम पेजेस है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है क्लाइंट के लिए, होम पेजेस है। बाकी अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, हेडर फुटर और मेन पेज। अब मेन पेज कैसे करेंगे वो भी सिंपल है। अब पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे, पेज के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शंस, ठीक है। ये ऑप्शंस मिल जाएगा कि आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं, होम फ्रंट पेज के नाम से होगा ये फ्रंट पेज, इसको आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अगर आपने एलिमेंटर से करना है तो एलिमेंटर से करेंगे, बैकली से करना है बैकली करेंगे। एलिमेंटर कैसे करना होगा, आपको एलिमेंटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि एट ए टाइम आप एलिमेंटर यूज करें या तो फिर आप बैकली यूज करें, दोनों में से कोई एक ही करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये आ गया, तो आपको पेज बिल्डर इस पे करना है, बैकली का यूज करना है, बैकली का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट किया हम बैकली का, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा इस तरह का एडिटर दिखा देगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे होम पेज चूज करना था, हमने माय अकाउंट चूज करने लग रहा। हाँ, ये आ गया मेन होम पेज। हाँ, इसका छोटा कर रहा है बड़ा करना, मैंने आपको तरीका बता दिया किस हिसाब से करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर पेज को 10 हिस्से में डिवाइड भी करना हो ना तो भी कर सकते हैं। एक पेज को 10 हिस्से में डिवाइड करना हो, 5-5 हिस्से में डिवाइड करना, वो भी कर सकते हो, कस्टम डिजाइन होगा। यहाँ पे तो जो आपका डिवाइडर है ये तो है ही, लेकिन अगर इसका परसेंटेज करना चाहते हैं कि 10% इधर रहे, 10% इधर रहे गैपिंग, और बीच में हम 80% यूज करना चाह रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। सेम आपको इसी तरह का एक होम पेज बनाना है, कैसे मैं वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है आपको अपना होम पेज। यहाँ पे क्या इन्होंने चूज किया हुआ है, स्लाइड रिवोल्यूशन। बस जस्ट क्लिक करना है, आपको स्लाइड रिवोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने एक नया होम पेज बना लिया यहाँ पे, ये बैकरी के थ्रू हम बनाते हैं, बैकरी के थ्रू नीट एंड क्लीन होता है, ऐसे अगर जस्ट कोड करना चाहिए कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं आपका होम पेज है, तो मैं यहाँ पे होम पेज 1 के नाम से मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, सेम उसी तरीके का जिस तरीके से उन्होंने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो होम पेज के अंदर जो एडिट करना है वो क्या है, स्लाइड रेगुलेशन पहले ही, सबसे पहले बस जस्ट आपको क्या करना है, रॉ चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, होम पेज पे जाके एड एलिमेंटर पर क्लिक करना है, रॉ चूज करना है। एक आपने रॉ चूज कर लिया, रॉ चूज करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है आपको, स्लाइड। जैसे आप स्लाइड लिखेंगे तो स्लाइड रेगुलेशन आ जाएगा। अब इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे के स्लाइड ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे मेन स्लाइड उन्होंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे मेन स्लाइड देख सकते हैं आप, मेन स्लाइड यूज किया हुआ, तो हमारे ये मेन स्लाइड आ गया। उसका दूसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन टाइटल फीचर्स का है, फीचर्स कैटेगरी का है, ठीक है। दूसरा सेक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, देखिए इस हिसाब से इन्होंने यूज कर रखा है, तो ये जो चीज है इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो यूज करना है वो सेक्शन टाइटल के नाम से यूज करना है, बस जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सेक्शन टाइटल। अच्छा, इसमें दो चीज है, आप चाहें तो इसे एक रॉ में कर सकते हैं, ये जो रॉ है इस रॉ में कर सकते हैं, या चाहें तो दूसरा नेक्स्ट रॉ भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप बीच में गैपिंग ना डाल के आप उसी रॉ में करते जाइए, ज्यादा बेटर है। उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइड भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी रॉ पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखना है हमें टाइटल, ठीक है। ये आ गया आपका सेक्शन टाइटल, ठीक है। सेक्शन टाइटल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है पेजेस, होम पेजेस है, वो ये है सेक्शन टाइटल में, ठीक है। ये तो आ गया, अब ये होम पेजेस है, ठीक है। तो हमने सेक्शन टाइटल यूज कर लिया। सेक्शन टाइटल में आपको जो भी डालना है, जिस हिसाब से भी रखना है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा नीड है उसके हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन टाइटल के अंदर इन्होंने क्या डाल रखा था, ये फीचर्स कैटेगरी डाल रखा था, तो हमें भी एक फीचर्स कैटेगरी के नाम से एक वो बना देना है, पेज बना देना है, सेक्शन डाल देना है ये फीचर्स कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, ये है टाइटल, टाइटल हम लिख देते हैं ये फीचर्स कैटेगरी। अब टाइटल के अंदर छोटा छोटा वो लिखना, वर्ड लिखना तो आप लिख सकते हैं, आगे बस जस्ट इसी हिसाब से वन बाय वन करके आप जैसे सर्च करते जाएंगे और इस हिसाब से बनता जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट आपको डेमो दिखा दिया ये कैसे कैसे करना है। हाँ, इसका जो जैसे इन्होंने ये चूज किया अलाइनमेंट वगैरह का चूज किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कैसे कैसे क्या उन्होंने चूज किया हुआ है,
उसी हिसाब से आप अपने डाल भी सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की जैसे ओपन करके देखेंगे किस हिसाब से मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी यूज किया हुआ है वो भी देख सकते हैं, मैंने यूज कैसे कर रखा है। ठीक है, जो जो कैटेगरी आप दिखाना चाहेंगे होम पेज में सिर्फ आप वही कैटेगरी दिखा सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएगा। और फिर जो जो कैटेगरी आपको दिखाना है, शो करना है, उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे जस्ट चूज करना है, जो भी आपका चाह रहे हैं जैसा चाह रहे हैं जिस हिसाब से कैटेगरी चूज करके वो भी आ जाएगा। ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फैशन, ले लेता हूँ, शायद फैशन के नाम से कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से ग्रोसरी के नाम से कुछ होगा। तो जो भी कैटेगरी आप इसमें ऐड करेंगे तो कैटेगरी कहाँ से ऐड होगा, ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाले सेक्शन पे ऐड होगा। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपका इसमें डला हुआ है या आप डाल के रखना चाह रहे हैं, जैसे ये है एक्सेसरीज है, ठीक है, कुकीज है, जो भी चीज उसमें रखना चाह रहे हैं, कुछ भी अगर आप सब चाह रहे हैं तो टोटल रखेंगे तो आप टोटल भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या आ गया आपका एक्सेसरीज। ठीक है, इस हिसाब से यह सेव कर लेंगे आ जाएगा। मुझे सिर्फ दिखाने ये था कि आप करेंगे कैसे, मेथड क्या था। ठीक है, ये मेथड मैंने सब करके दिखा दिया। अब यह चीज अगर ऑन करेंगे तो आपने जितना इसमें काम किया हुआ है वो आपको दिख जाएगा। हाँ, इसमें एक मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है कि आपका पेज उस हिसाब से नहीं दिख रहा जिस हिसाब से आपको जो होम पेज है उस हिसाब से आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, तो कहीं पे गड़बड़ी हो, जैसे ये है, ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये फुल विज ना होने की वजह से जो हमने अभी होम पेज चूज किया था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप और भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट की जगह में आपको यहाँ पे स्लाइड डिलीशन ब्लैंक, अच्छा इसके अंदर तो ये बाय डिफॉल्ट ही किया हुआ है, अच्छा ये ऑटोमेटिकली आ गया है, तो कोई नहीं, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको हम हटा भी सकते हैं। वो कैसे करेंगे, नीचे इसको फुटर से कर लेंगे, यहाँ पे आपको फुटर में दिखेगा साइड बार ऑप्शन, तो उसको आप हाइड कर दीजिएगा, ये ठीक है, ये साइड बार, ये इंसर्ट, इसको विदाउट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये साइज पेज है, ये इंसर्ट किया और इसमें आप लार्ज कर दीजिएगा। ठीक है, ये कि जब आप चीज करने बैठेंगे तो एक पर एक चीज आती जाएंगी, तब समझ में आएगा हाँ हमने क्या कर रखा है, नहीं कर रखा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। आ गया ना, फुल विज आ गया। ठीक है, ये आपका स्लाइड भी आ गया फुल विज। और जैसे आप मेगा मेन्यू यहाँ पे लगाएंगे तो मेगा मेन्यू आ जाएगा, इस पर मेगा मेन्यू आ गया। ठीक है, अब ये रही बात, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि कहाँ से करेंगे, डिलीट कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, इसको अगर हटाना हो, सिंपल ऑप्शन से आप यहाँ पे जाएंगे थीम के सेटिंग्स पे, ये थीम के सेटिंग्स पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन से आपका हेडर का ये आपको मिलेगा शायद यहाँ पे पेज टाइटल। ठीक है, तो पेज टाइटल के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल करके जब सेव कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से हट जाएगा। अभी जो आ रहा था ना, ये इसको कहते क्या है, ये मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं इसको, ये जो मैंने ऑप्शन अभी हटाया इसको क्या कहते हैं, बीट कम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो खैर ये आपका एक प्रॉपर तरीका हो गया जो एक थीम को इंस्टॉल करके कैसे जो है यूज करेंगे। सेम यही मेथड आपको दूसरे वाले में भी करना है। अब ये जैसे ये है ना, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए था लेकिन अभी ऑटोमेटिकली आ नहीं रहा है। ठीक, जैसे उस पर तो उसमें भी इसको ऑन करना पड़ेगा, तो भी आप देखेंगे कैसे कैसे उसमें किया हुआ है। तो पेज की तो पेज यहाँ पे मैंने एक ही चूज किया इसलिए एक ही शो हो रहा है। ठीक है, आप जितना यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं वो आप करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर ये एक छोटा सा ये था इंट्रोडक्शन था, इस बिहाफ पे आप अपने जो और भी बहुत सारी साइट्स हैं उसको आप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करके मल्टीपल डेमो को बनाने की कोशिश कीजिए। 5 दिन 10 दिन में जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, 5 दिन 10 दिन में अच्छा खासा सीख जाएंगे। ठीक है, मेन सारी जो चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने इंस्टॉल किया था, ये भी सक्सेसफुली हो गया है। अभी मार्केट के नाम से इंस्टॉल किया था ना, वो भी सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे देखिए मार्केट के नाम से आ गया। हाँ, इसके बाद जो ऑप्शन होता है वो 3-4 ऑप्शन और होता है जो साइट पे जरूर देखे मार्केट के नाम से आ गया। तो ये आप अपने हिसाब से, जैसे ये देखे ना, ये डिजाइन कैसे किया हुआ है। डिजाइनिंग पे जब बात करें तो सारा खेल जो होता है ना यूआई पे होता है।
वेबसाइट डिजाइनिंग की जब भी बात करें, यूआई और ग्राफिक, ग्राफिक का जितना अच्छा यूज करेंगे उतनी वेबसाइट खूबसूरत से खूबसूरत दिखेंगी। अच्छा, वुडमार्ट एक ऐसा थीम है जिसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, सब पॉसिबल है, जैसा चाहे जिस हिसाब से चाहे डिजाइन आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे पेटीएम की तरह दें, आप चाहे अमेजोन की तरह दें, आप चाहे जो गूगल इसके फेसबुक क्या नाम उसका फ्लिपकार्ट की तरह दें, हर तरह के डिजाइन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर, ये डिजाइन आप बाद में करें, पहले जो चीजें ऑलरेडी है इसके अंदर डमी के अंदर वो चीजें यूज करना पहले आप सीख जाए। देखा ना कितना खूबसूरत सा मेगा मेरे बना रखा है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन का पूछ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा डाउट से कुछ सर, यहाँ पे स्टोर का भी लिखा हुआ था, फाइंड स्टोर, बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, कौन से स्टोर कहाँ पे है, किस जगह पे, किस लोकेशन पे, कब कब ये ऑन और कब ऑफ होगा, ये मल्टी स्टोर का सिस्टम दिया हुआ है। ये बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर। यही चीज आप कस्टमर मांगेंगे ना, भाई हम जो स्टोर चाहिए, हम लोकेशन वाइज चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ये जो पॉपअप आ रहा है ना, पॉपअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है मैंने आपसे, यही चीज का ये सब सेक्शन जो होता है सब यहीं से होता है, ये पॉपअप का यहाँ से किया हुआ है। आपका ये शॉप है, जनरल है, इसके बाद यहाँ पे पॉपअप है, ये जनरल का आएगा सर पॉपअप, ये है पॉपअप, ठीक है, दिख रहा है प्रोमो पॉपअप। तो आपको सब कुछ यही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो जब आप काम जब करने बैठेंगे ना, तो एक पर एक आ ही जाएंगे, चीजें होता जाएगा, मैनेज करते जाएंगे। बस इतना ही, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। तो आप लोकल, आप तो लोकल पे करना जानते हैं, तो लोकल पे इसका जो आपको मैं थीम, अगर आप करना प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि होम बेसिस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सीखना चाह रहे सर तो करना तो पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है ना परफेक्ट बन पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है आपका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। आप अगर दसियों साल लगा लेंगे ना कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस अगर एक महीना कर लेंगे सही ढंग से सर 10 साल का बराबर काम करेंगे। या आपने अभी तक जितनी चीजें नहीं सीखे ना उतनी जगह एक महीना अगर सही से ढंग से कर लेंगे प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूटी काम नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक चीजें आ नहीं पाती है। कंटिन्यूटी में यह बेनिफिट होता है कि अगर आज आपने 2 चीज सीखी है, कल को उम्मीद है कि आपने 4 चीज सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें करना जरूरी है।